हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सटेंशन। मैं हूं आपका दोस्त सुब्रतो। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप लोग फ़ोन में तो लाइव वॉलपेपर और स्टील वॉलपेपर यूज़ किए, यानी जो नॉर्मल स्टैटिक वॉलपेपर होता है जो मूविंग नहीं होता है, और लाइव वॉलपेपर होता है एनिमेटेड वॉलपेपर। लेकिन 3D वॉलपेपर आप लोग कैसे बनाएंगे मोबाइल का ऐप से, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और पूरा चीज़ को समझ लीजिए। एक बार आप समझ जाएंगे तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाना, या आपके फोटो के साथ हो या कोई डाउनलोडेड फोटो के साथ हो, आपके लिए आसान बन जाएगा। लेके चलता हूं मैं मेरा मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं मेरा मोबाइल स्क्रीन है। यहां से ही मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग आपका खुद का नाम से एक 3D वॉलपेपर बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मेरे को दो ऐप की जरूरत है, एक 4D पैरालक्स और दूसरा हो गया 3D लोगो मेकर। तो पहले हम लोग चलेंगे 3D लोगो मेकर पे। 3D लोगो मेकर पे जाके हम लोग पहले क्रिएट पे क्लिक करते हुए हमको बनाना है पहले मेरा नाम जो है वो नाम का 3D करेक्टर। यहाँ पे ऐड को क्लोज करते हैं और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ये टी मार्क पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। टी मार्क पे क्लिक करने से आपको यहाँ पे टेक्स्ट का बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो करेंगे यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करते हुए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, जैसे कि हम कोई भी नाम आप भी डाल देते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है अगर टॉनी, तो हम लोग TONY टाइप करते हैं। ओके, तो इसको बाहर में क्लिक करते हुए आप फिर से इसके ऊपर क्लिक करके आप मूव करोगे तो ये मूव होगा। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो कोई भी एक फॉन्ट को आपको लेना है। थोड़ा बोल्ड फॉन्ट देख के लीजिएगा जो देखने में भी अच्छा लगे। तो ये हमने ये फॉन्ट ले रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉन्ट हो गया। इसके बाद है कलर। कलर पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप लोग कलर वाइट रख सकते हो या कोई भी ग्रेडियंट कलर डाल सकते हो। हम लोग यहाँ पे फिलहाल कलर यूज़ नहीं करके हम लोग ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट कलर है लास्ट में, इस पर मूव करते हुए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट में देखिए तीन ग्रेडियंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, टॉप कलर, सेंटर कलर और बॉटम कलर। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉप कलर चूज़ करते हैं वो करते हैं हम लोग थोड़ा रेडी स्टोन में ये वाला कलर रखते हैं। सेंटर कलर पे हम लोग येलो रखते हैं और मेरा जो बॉटम कलर है, बॉटम कलर पे हम कुछ डार्क कलर रखने का कोशिश करते हैं, जैसे कि ये कलर हो गया, ये कलर हो गया। देखिए ये वाला रेड हम रखते हैं। ओके, अभी ग्रेडियंट से मेरा फॉन्ट को कलर करना हो गया। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्ट्रोक पे जाएंगे दोस्तों। स्ट्रोक पे जाने के बाद हम लोग वाइट कलर पे क्लिक करते हैं। स्ट्रोक पे जाने के बाद हम लोग वाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे और जो आपका डिफ़ॉल्ट अभी है रेडियस, ये ऊपर में जो रेडियस देख पा रहे हैं आप, इससे ये थोड़ा मोटा भी आप कर सकते हैं, थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो ये हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, आप लोग भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे इसको। इसके बाद हम लोग चलते हैं शेडो में। शेडो में जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे शेडो का कलर है, तो आप लोग जानते ही हो शेडो का डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है ब्लैक। तो यहाँ से हम लोग ब्लैक कलर को ही चूज़ करते हैं। देखिए ब्लैक कलर का शेडो आ गया है। अब सब कुछ हो जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा 3D। 3D में जैसे ही आप जाएंगे देखिए एक्स वाई जेड तीनों आपको दिख रहा है। एक्स को मूव करने से देखिए दोस्तों, एक्स देखिए ये देखिए, वाई को मूव करने से देखिए, जेड को मूव करने से देखिए ये इफ़ेक्ट आ रहा है। मेरे को ऐसा ही इफ़ेक्ट चाहिए दोस्तों। ओके, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको सेटिंग करना होगा ठीक से। ये देखिए मेरा सेटिंग हो गया, यहाँ पे फॉन्ट मेरा सेटिंग हो गया, ये टॉनी लिखा हुआ है। ओके, इसको अब मेरे को सेव करना है। यहाँ पे देखिए एक डाउनलोड का आइकन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करने से आपको यहाँ पे पूछेगा चूज़ फॉर्मेट सेव लोगो एज। तो अगर आप JPG करोगे तो आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, PNG करोगे तब आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। तो हम लोगों को PNG पे क्लिक करना है। तो जैसे PNG पे क्लिक किया ये दोस्तों सेव हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जाना पड़ेगा 4D वॉलपेपर में। 4D वॉलपेपर में आने के बाद यहाँ पे देखिए प्लस साइन है और यहाँ पे क्रिएट वॉलपेपर है, तो आप क्रिएट वॉलपेपर में क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपके पास तीन लेयर आ गया, बॉटम लेयर, मिडिल लेयर, टॉप लेयर। तो दोस्तों 3D इफेक्ट अगर आपको वॉलपेपर में लाना है, लाइव वॉलपेपर की तरह दिखेगा लेकिन वो 3D वॉलपेपर बनेगा, तो इसके लिए आपको तीन लेयर पर काम करना होता है, एक बॉटम लेयर, एक मिडिल लेयर, एक टॉप लेयर। तो हम लोग मिडिल लेयर पर मेरा वो फॉन्ट को रखेंगे जो नाम लिखे हम लोग 3D में उसको रखेंगे, और बॉटम लेयर पर हम लोग कोई भी एक बैकग्राउंड डालेंगे। तो बॉटम लेयर पे हम कोई भी एक बैकग्राउंड रखते हुए इसको चूज करते हैं, एक कोई भी बैकग्राउंड। तो बॉटम लेयर के लिए हम लोग एक बैकग्राउंड चूज करते हैं सबसे पहले।
चलिए इसको चूज़ करते हैं। तो देखिए ये लोड हो गया, ये बॉटम लेयर आ गया। इसके बाद आ रहा है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको करना पड़ेगा ऐड फ्रॉम डिवाइस स्टोरेज। यहाँ पे जब भी आप क्लिक करोगे आपका वो नाम दिख जाएगा। ये देखिए टॉनी बोल के नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। टॉनी नाम आ गया आपके पास। देखिए अभी हम मूव कर रहे हैं तो अभी ये मूव हो रहा है, ओके। इसके बाद हमको टॉप लेयर पर भी क्लिक करना है। टॉप लेयर पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर में जो कोई भी इफेक्ट आपको जो डालना है जिससे आपको ये 3D फील आएगा वो आपको डालना होगा। तो यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप ले सकते हैं 3D के लिए। देखिए इतना सारा इफेक्ट है टॉप लेयर में डालने के लिए, आप कोई भी इफेक्ट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर मैं ये आग चूज़ करता हूँ तो देखिए रेंडर हो गया, ये देखिए आग आ गया। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो फिर से आप जाएँ टॉप लेयर पर, टॉप लेयर पर जाने के बाद कोई भी आप चूज़ कीजिए। चलिए मैं ये ग्लास चूज़ करता हूँ, देखिए ये ग्लास, ओके। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे देखिए इफेक्ट बोल के एक बटन है, यहाँ पे इफेक्ट में भी जाने के बाद आपको देखिए कई सारा इफेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे बबल, देखिए बबल है, ये देखिए बबल, बबल का इफेक्ट आ गया। इसके बाद देखिए डस्ट एंड फ्लेयर, ये देखिए फ्लेयरिंग का इफेक्ट आ रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, एक ग्लॉजी इफेक्ट आ रहा है। तो हम ये ग्लॉजी इफेक्ट को ही रख रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे में एक बटन दिया हुआ है वॉच ऐड टू सेव एंड सेट, और यहाँ पे दिया हुआ है एक आइकन राइट हैंड टॉप में, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आर यू श्योर यू वांट टू शेयर दिस वॉलपेपर विथ अदर यूजर्स एंड मेक इट पब्लिक। हमको पब्लिक नहीं करना है दोस्तों, इसको कैंसिल करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लिक करते हैं वॉच ऐड टू सेव एंड सेट। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक किए तो एक ऐड चालू होगा दोस्तों। ये ऐड आपको 30 सेकेंड का एक ऐड रहेगा, इस ऐड को आप लोग देख लीजिए। हो गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। देखिए आपका टेक्स्ट आ गया, और देखिए जैसा लाइटिंग का इफेक्ट था वैसा लाइटिंग का इफेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है, ओके। हम इसको करते हैं सेट वॉलपेपर। सिर्फ लॉक स्क्रीन के लिए यहाँ पे नहीं होता है, या तो होम स्क्रीन के लिए आपको करना होगा, या तो आपका होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों के लिए करना होगा। तो हम एक बार कर देते हैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों। देखिए मेरा सेट हो गया, ये देखिए, ये देखिए पूरा 3D फील आ रहा है आपका, देख पा रहे हैं 3 लेयर का। ये ग्लास एक लेयर पे है, टॉनी लिखा हुआ एक लेयर पे है, और बैकग्राउंड एक लेयर पे है। तो दोस्तों ऐसा ही टेक अपडेट आपको मिलते रहेंगे मेरा चैनल टेक्निकल एक्सटेंशन पे। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक्निकल एक्सटेंशन को, और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।